हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ टू हेन आर्चर स्ट्रेच बो व टेकिंग एम एट द टारगेट बोल रहा है वे शी देन रिलाइज द एरो व्हिच बिगेन्स टू मूव टूअर्ड्स द टारगेट बेस्ड ऑन द इंफॉमेन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स यहाँ पे हमें क्या किए हैं आर्चिट के बारे में बताया गया ठीक है कि कुछ हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं इसे हमें यूज़ करके क्या करना है इनको फिल करना है और यहाँ यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं ठीक है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाईज फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स क्या आएगा इसका शेप बो को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर जो है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स ठीक है आर्चर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से क्या होगा उसकी शेप में चेंज आएगा ठीक है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स वो जो फोर्स आर्चर अप्लाई कर रहा है ठीक है ताकि जो बो है वो स्ट्रेच हो जाए वो किसकी एग्जाम्पल है वो है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल ठीक है थर्ड इज द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स वो जो टाइप है फोर्स की ठीक है जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है जो चेंज हो रहा है मोशन की स्टेट में वो किसकी एग्जाम्पल है वो है हमारी मस्कुलर फोर्स की एग्जाम्पल ठीक है वाइल द एरो मूवस टूवर्ड्स द टारगेट जब एरो टारगेट की तरफ जाने लगे तो जो फोर्स है उस पर लग रही है वो किसकी वजह से हो रही है वो हो रही है हमारी ग्रेविटी और किसकी वजह से हो रही है फ्रिक्शन की वजह से ठीक है तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू